ये तो हमारी गाड़ी है। ये तो टीना और आकाश की गाड़ी है। ओह माय गॉड, आकाश, टीना, बच्चे नहीं है। मैं एक बार फिर से फोन करता हूँ। गाड़ी यहीं पर है तो दोनों बच्चे भी यहीं पर होने चाहिए। कैसे डरावनी जगह है, कितना घना जंगल है ये। पता नहीं टीना और आकाश को यहाँ गाड़ी रोकने की क्या जरूरत थी। दोनों में से किसी का भी फोन नहीं लग रहा है। लूटपाट का मामला तो नहीं लगता है भाई साहब, बच्चों का सारा सामान गाड़ी में ही है। ऐसे बीच सड़क पे बच्चे गाड़ी छोड़ के गए कहाँ? समझ में नहीं आ रहा मेरे दोनों बच्चे कहाँ चले गए, क्या हो गया उनको? मेरा मेरा कुछ नहीं होगा हमारे बच्चों को। शांति रखो, घबराओ मत, और यहीं कहीं आसपास देखते हैं। आकाश, टीना, आकाश, 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 मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आकाश, आकाश, टीना, पता नहीं इस घने जंगल में बच्चे कहाँ चले गए। मेरा गाड़ी यहाँ पर है तो बच्चे भी यहीं पर होने चाहिए। भाई साहब कहीं कोई कुछ भी नहीं है, वहाँ यहाँ पर भी नजर नहीं आ रहा। सन्नाटा, चुप हो जा। कौन हो तुम? जाओ जाओ यहां से। कौन आ जाएगी? कौन आ जाएगी? वही आएगी जो अपना सर क्या मेरी वत्सला को कैसे बर्ताव कर रही है? अब क्या करूं मैं? वो मेरी तरफ बढ़ती रही, वो अपना कटा सर मेरे चेहरे की तरफ एक। नहीं, डॉक्टर साहब क्या हुआ है मेरी वाइफ को? मिस्टर नमित देखिए ना, डॉक्टर साहब के साथ क्या किया वत्सला जी ने। 10 इंजेक्शन दे चुका हूँ शांत करने के लिए, लेकिन कोई असर ही नहीं हो रहा। लेकिन हुआ क्या है वत्सला को? इनका दिमाग एक सरकटी औरत के बारे में सोच रहा है। उसकी चाल ढाल, उसका रवैया, और पता नहीं क्या 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 इसके दिमाग में घुस गया है। ओह माय गॉड, डॉक्टर साहब मेरी वाइफ ठीक तो हो जाएगी ना? कुछ कह नहीं सकते,
लेकिन ये चेंजेस आपने इनमें कब महसूस की? कल रात वत्सला की गाड़ी दहलिया रोड पे खराब हो गई थी, मैं इसे लेने वहां गया, तब से इसकी हालत ऐसी है। देखिए मिस्टर नमित, इनकी हालत बहुत नाजुक है, मेरी मानिए तो इन्हें फॉरन हॉस्पिटल में एडमिट कर दीजिए। सर मुझे तो लगता है कि वत्सला जी के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, दहलिया रोड पे हुआ है। श्रवण, हमने कहीं वहां से आकर कुछ गलती तो नहीं की ना? अब हमारे बच्चे कैसे मिलेंगे? मुझे तो लगता है उस खूनी औरत ने कुछ कर दिया है टीना और आकाश को। भाई साहब, मुझे लगता है कंप्लेंट लिखवा देनी चाहिए, पता नहीं बच्चे किस हाल में होंगे। उमेश, मैं तो कहता हूँ हमें सीआईडी को फोन करना चाहिए। मैं करता हूँ भाई साहब। ये इस तरह से दरवाजा कौन पीट रहा है? मैं देखता हूं। हॉस्पिटल ले जाना होगा, मैं गाड़ी निकालता हूँ भाई साहब। टीना बेटा, बेटा कुछ तो बोलो, आकाश कहाँ है? आकाश मैं आपको बचा लूंगा। बचा लूं मतलब क्या हुआ है आकाश को? टीना बेटा, टीना, टीना आगे खोलो बेटा, आगे खोलो बेटा, आगे बंद मत कर बेटा। टीना क्या हुआ तुम्हें? वो गाड़ी हमें रोक रही है। टीना, टीना बेटा आंखें खोलो बेटा। टीना, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं डॉक्टर साहब, मैं अपनी वाइफ को किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करने वाला। आपसे पहले भी चार और डॉक्टरों ने मुझे यही एडवाइस दिया। अब मेरी वत्सला का इलाज मेरे घर पर ही कीजिए ना डॉक्टर साहब। इस तरफ, यहाँ पर आइए, यही घर है ये। तो यहाँ पे जबरदस्त हाथापाई और तोड़फोड़ हुई है, चारों तरफ खून, सामान बिखरा पड़ा है। जमन, आपको कल रात ही हमें खबर कर देनी चाहिए थी। लेकिन सर, नमित के शरीर पर इतना खून देखा कि मैं डर गया था। भैया? हाँ सर। भैया, जिस किसी भी हथियार से विक्टिम पर हमला किया गया है वो हथियार काफी तेज धार वाला होगा। सालूं के साहब, आपको कैसे पता चला? ये देखो, ये छोटी छोटी बूंदे देख रहे हो खून की, ये एक धार में सीधी। सर लगता है किसी चाकू या छोटे खंजर का इस्तेमाल किया गया है। पता नहीं जिसको भी इसने मारा है वो जिंदा है या नहीं। और ये खून से सने हुए पांव के निशान, ये तो घर के अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ पर नमित के अलावा कोई और भी रहता है क्या? हाँ, उसकी वाइफ। ओह माय गॉड, ये उससे तो कुछ नहीं हो गया। अभी जी देखो, देखो सर,
सर, ये पैरों के निशान तो आगे आगे धुंधले होते जा रहे। एक काम करो, इस कमरे को चेक करो। बेड पर तो कोई खून नहीं। कौन हो तुम? बाहर आओ, बाहर आओ। यही है मेरी टीना और आकाश की गाड़ी, यहीं पर मेरे बच्चों पे वो मुसीबत आई थी। सर, वो उस जगह पे खड़ी थी वो भयानक दिखने वाली लड़की। हाँ सर, सर उसी ने हमारी बेटी को मार डाला है और वही हमारे बेटे आकाश को लेकर गई है। सर, सर गाड़ी के अंदर तो सब ठीक ठाक ही लग रहा है। और सर भाताबाई के भी कोई निशान नहीं। अच्छा, यहाँ सड़क पे भी जैसा लग नहीं रहा है कि कुछ हुआ है। क्या टीना ने एग्जैक्टली क्या कहा था? सर 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 वो बता रही थी कि आकाश भाई को बचा लो। बचा लो मतलब क्या हुआ आकाश को? वो ठीक तो है ना बेटा? सर कहीं मेरे आकाश को कुछ हो तो नहीं गया? सर उसके हाथ में कल रात को हसिया था। हसिया? सर, हो सकता है कि शायद आकाश अभी भी उस औरत के कब्जे में हो और टीना किसी भी तरीके से वहां से भाग गई हो। हो सकता है। वो जो कोई भी लड़की है शायद आकाश को जंगल में ही ले गई होगी। हाँ सर, हो सकता है आकाश अभी तक जंगल में ही हो। चल के देख लेते हैं। सर हम भी चलते हैं आपके साथ। नहीं, आप लोग यहीं रुकिए, जंगल थोड़ा खतरनाक है। एक्चुअली आप लोग घर जाइए, कुछ भी पता चलता आपको फोन कर देंगे। ओके? ठीक है सर। डॉक्टर साहब, वो आदमी कहाँ है जो खून से लथपथ आपके हॉस्पिटल में आया था? सर वो आदमी अंदर है। तो अब होश में है या अभी भी बेहोश है? नहीं, अभी होश तो आ गया है उसे, मगर थोड़ी बहकी बहकी बातें कर रहा है। क्या उनसे मिल सकता है? जी बिल्कुल, आइए। नमित। हम लोग सीआईडी से हैं। क्या तुम बता सकते हो कि ये तुम्हारे साथ कैसे हुआ? मार डाला मुझे। मेरी वत्सला ने मुझे मार डाला। पूछिए अमन से, मुझे रोज पीटती थी। मैंने कभी भी उससे उसे नहीं घूरा। हाँ सर, मैं हमेशा इस बेचारे की दर्द भरी आवाज सुनता था। मैं समझ जाता था कि भाभी जी का बेलन इसके सर पर बज रहा है। नमित, हम तुम्हारे पत्नी से मिल चुके हैं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है उसके साथ, लेकिन अचानक वह ऐसा बर्ताव क्यों करने लगी? भगवान पता नहीं, जब से दहलिया रोड से आई है किसी सरकटी औरत के बारे में बात करती है और किसी पर भी टूट पड़ती है, जैसे जान ले लेगी वो किसी की भी। फिर दहलिया रोड, मतलब जो भी गड़बड़ है वो इस दहलिया रोड पे ही है।
ये तो बिल्कुल हॉरर फिल्म की तरह बंगला है। जंगल के बीच में इतना सुनसान। लगता है ये टीना और आकाश इसी घर में आए होंगे। ज्यादा फिल्में मत देखा करो। बहुत अच्छा लगा, इतने सुनसान जंगल में भी कोई हमें मिलने आया। एनीवेज, मेरा नाम डीके है और ये मेरी धर्म पत्नी रागिनी। अरे आइए ना आप लोग, अंदर आइए, बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज आइए आइए आइए। सर ये लोग तो बहुत अजीब हैं। ये तो हम लोग से ऐसे बात कर रहे जैसे हम लोग इनके रिश्तेदार हैं। काफी अच्छा घर है। थैंक यू। आसपास दूसरा कोई घर नहीं दिख रहा है, तो इतने सुनसान जंगल में आपने घर बनाया? बनाया नहीं है सर, खरीदा है। वो क्या है ना कि हम दोनों पति पत्नी एक कलाकार हैं और अपनी सोच के आकार को पूरा करने के लिए हमें शांति और एकांत की सख्त जरूरत रहती है। जी हाँ सर, यही हमारा घर भी है और हमारी दुनिया भी है। और हाँ, आपको एक बात और बताना चाहूंगा। हम लोग रहते जरूर इस सुनसान इलाके में हैं, लेकिन कला के क्षेत्र में हमारा बहुत बड़ा नाम है। अच्छा अच्छा। कब खरीदा आपने ये घर? बहुत साल पहले खरीदा था। अब तो ध्यान भी नहीं है हमें कि कब खरीदा था हमने। ये तो याद होगा कि कल यहाँ पे कौन आया था। हाँ सर बिल्कुल, लेकिन कल तो यहाँ कोई नहीं आया था सर। ये फोटोज देखिए, ध्यान दीजिए और सोच के बताइए, क्या इन दोनों में से कोई भी कल यहाँ आया था? नहीं मैडम, इनको हमने पहले कभी नहीं देखा। ये कौन है? ये हमारी बेटी अंचिता, 14 जुलाई 2013 को प्लेग की वजह से इसकी मृत्यु हो गई थी। बहुत याद आती है हमें हमारी बेटी की। हम लोग आपसे कितने सारे सवाल पूछे जा रहे हैं, आप नहीं पूछेंगे कि हम लोग कौन हैं और क्यों इतने सारे सवाल कर रहे हैं आपसे? कौन है आप लोग, आप बता दीजिए। हम लोग कौन है घर के अंदर? नहीं कोई नहीं है। नहीं कोई है। तो इस तरफ ही था। कहीं हमें देखकर छुप तो नहीं गया? हो सकता है, आकाश भी उसी का साथ ही होगा शायद। देखते हैं। नीचे कौन है तुम? क्या कर रही थी उस घर के अंदर? हसिया नीचे फेंको, टीना को तुमने मारा था ना? आकाश का धीरे बोलो, वो सुन लेगी। वो तुम्हारे पीछे खड़ी है।
कौन है हमारे पीछे? कोई नहीं है, लगता दिमाग हिला हुआ इसका। क्या दिखा रही है? कौन है पीछे? वो तुम्हारे पीछे बिना सर वाली औरत अपना सर हाथ में लेके दिखा रही है। सर, ये उस सिरकटी औरत की बात कर रही है सर, वो वत्सला जैसी बातें कर रही है। हमारे पीछे कोई नहीं है, किसकी बात कर रही हो तुम? ऐसे नीचे करो, नीचे रखो। मैं मार दूंगी उसे, मैं मार दूंगी उसे, मैं मार दूंगी, मार दूंगी, मार दूंगी, मार दूंगी। मलिका, आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ? यस सर, पर ये है क्या? थोड़ा बहुत तो पता चला है, पूरा तो टेस्ट होने के बाद पता चलेगा। सर, मुझे लगता है कि आप ये कलर एरिया देख रहे हैं, ये ब्रेन टेल की नर्व्स की तरफ आ रहा है। इन दोनों औरतों के दिमाग के साथ छेड़छाड़ी की गई है। सर, इनकी याददाश्त से छेड़छाड़ की गई है। इनको कोई नेचुरल रोग या दिमागी बीमारी नहीं, इनकी तो मेमोरी ही बदल दी गई है। मतलब ये कि आर्टिफिशियल मेमोरी भर दी गई है इनके दिमाग में। यस सर। क्या आर्टिफिशियल मेमोरी भर दी गई? हाँ भैया। मतलब ये दोनों औरतें जो देख रही थी या बोल रही थी, इनके दिमाग का वहम नहीं था? बिल्कुल नहीं था। दरअसल क्या होता है कि इंसान के बचपन से लेकर के उसके बड़े होने तक उसकी जिंदगी की तमाम यादें उसके दिमाग में एक डिस्क की तरह से जमा हो जाती है। कुछ इस तरह से। और फिर कोई एक दिन गर्दन के पीछे ऐसा इंजेक्शन लगा देता है, ये देखिए, यहां दिख रहा है, जिससे ब्रेन में कंपार्टमेंट बन जाते हैं और जिंदगी की सारी याद ब्लॉक हो जाती है। इंसान एक सेमी कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है, आधी बेहोशी की हालत में। के बाद फिर क्या होता है? इसमें इंसान के दिमाग को सुन कर देने वाला ड्रग दिया जाता है। इंसान अगला पिछला सब भूल जाता है। आप सुन सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन आप रिएक्ट नहीं कर सकते। और फिर इस हालत में उसको एक कटी सिर वाली औरत दिखाई जाती है और उसके कानों में बार बार ये बातें सुनाई जाती है कि ये लोग आपको मारने वाले हैं और ये सारे इंसान आपके दुश्मन हैं और आपको उनको मार देना है। ड्रग के असर की वजह से दिमाग कुछ इस तरीके का दिखाई देने लगता है। हर याद को दबाकर सप्रेस करके उसे सिर्फ उतना ही हिस्सा याद करने के लिए दिया जाता है जितना कि बेहोशी की हालत में उसे सुनाया या दिखाया गया था। सर, यानी कि इन दोनों औरतों ने सच में एक सरकटी औरत को देखा और होश में आने के बाद दोनों को सिर्फ उतना ही याद है? बिल्कुल। पर ना सोचो, दो लड़कियां जो एक दूसरे को जानती नहीं, पहचानती नहीं, वो एक ही समय पर एक ही जैसी बात कैसे सोच सकती है? मतलब इनकी मेमोरीज को बदल दिया गया है। कौन ड्रग्स कौन सा इस्तेमाल किया गया इनके ऊपर? डोडियन और हैपिस जैसे न्यूरॉन अफेक्टिंग ड्रग्स। ये ऐसी दवाइयाँ जो ब्रेन की मेमोरी लोकेशंस को नष्ट कर देती है। आपको ये भी याद नहीं रहेगा कि आप हैं कौन, और आपको उतना ही याद रहेगा जितना आपको बताया जाएगा। हमारे टेस्ट में भी काफी ऐसे ड्रग्स मिले हैं जो याददाश्त मिटाने के लिए काफी हैं, पर हाँ, इन्हें हल्के इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए गए। मुझे नहीं लगता ये लड़कियां कभी भी ठीक हो सकती, क्योंकि इस बीमारी का अभी तक कोई एंटीडोट इजाद नहीं हुआ है और हिप्नोसिस में महीनों लग जाएंगे, और फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि इनकी खोई हुई मेमोरी इन्हें वापस मिल सकती है। अरे सर,
ये सब सुन सुन के मेरा सर फटने लग रहा है। सर आप मेरा ब्रेन मैपिंग कर लीजिए। और सड़क पे खड़ी उस लड़की का राज तो अब डहलिया रोड पे जाके ही पता चलेगा। चलो थोड़ा घूम आते हैं डहलिया रोड। कहाँ आपके मम्मी पापा? घर पे आके देखिए ना प्लीज, पास में। चलिए आइए आइए, कहाँ पर है? चलिए। अच्छा, इन नाम से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं? ओके ठीक है, थैंक यू सर। सारे पेंटर्स एसोसिएशन में फोन कर लिया सर, मगर डीके और रागनी के नाम से कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं। सब कुछ झूठ बोला उसने। मुझे तो लगता है कि उसने अपना नाम भी गलत बताया है। जयवंती, कुछ पता चला? नहीं सर, अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। मगर सर, कितने कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहे थे दोनों। लगता है सर अब एक ही रास्ता बचा है, उन्हीं से सच उगलवाना पड़ेगा। नहीं जयवंती, पहले उसकी सारी डिटेल्स निकालते हैं, फिर उठाते हैं उसे। लेकिन सर पता कैसे चलेगा? एक काम करो, दहलिया हाउस में जो उनकी तस्वीरें खींची गई थी उन्हें क्रिमिनल डाटाबेस से और मिसिंग केस फाइल से मैच करवा के देखो, शायद असलियत सामने आ जाए। आइए। यहाँ इतनी रोशनी कम क्यों है? वो घर आबादी से दूर है ना, इसलिए वोल्टेज थोड़ा कम है। ये देखिए। दोनों एक साथ कैसे बेहोश हो गए? कहीं इस लड़की ने तो कुछ नहीं कर दिया? सर, दोनों फोन्स के सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। सर कुछ सेकंड्स पहले तक अभिजीत सर और दया सर का फोन दहलिया रोड पे बता रहा था, लेकिन अभी लोकेशन नहीं दिख रही है। इसका मतलब अभिजीत सर और दया सर को वो रास्ता रोकने वाली लड़की मिल गई, फिर तो डीके और रागनी की सच्चाई का भी पता चल जाएगा। सर आइए। सर सर, ये है मिसेस साक्षी, उस नकली डीके और इलेश की माँ। नमस्ते। कहाँ है मेरा बेटा, कहाँ है इलेश? ये ऑफिसर कह रहे हैं उसका नाम डीके है और उसकी एक पत्नी है जिसका नाम है रागनी। ये कैसे हो सकता है? ये सब झूठ है। जी नहीं, ये सच है। एक छानबीन के दौरान आपके बेटे और उस औरत से मुलाकात हुई हमारी, जो अब डीके और रागिनी बने बैठे, और उसी छानबीन में मिसिंग कंप्लेंट से उनकी सच्चाई भी पता चली। मैम आप हमें बता सकते हैं कि आपके बेटे इलेश ने अपना नाम बदल के डीके क्यों रख लिया? मेरा बेटा अपना नाम क्यों बदलेगा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। देखिए माता जी, वो रागिनी उर्फ नीता के साथ में कहीं छुपा हुआ बैठा है। अब ये औरत को जानती है? ये लड़की कौन है और कैसे मेरे बेटे की जिंदगी में आई, मुझे कुछ नहीं पता। देखिए मैडम, उस औरत के माँ बाप तो मर चुके हैं, बस आप ये बता सकती हैं कि जुलाई 2013 से पहले ऐसा क्या हुआ था जो आपका बेटा घर छोड़कर चला गया? नहीं, मेरा बेटा घर छोड़कर नहीं भागा था। हाँ, इलेश दिमागी तौर पर बीमार रहता था, तो एक बड़े साइकोथेरेपिस्ट के पास उसका इलाज चालू था और उसी थेरेपी की सिटिंग के लिए वो डॉक्टर के क्लिनिक गया था और फिर वो वापस ही नहीं आया। अच्छा मैम, ये बताइए कि नाम क्या है इस थेरेपी क्लिनिक के डॉक्टर का? Thank you.
मारो, बचा लो खुद को, मार डालो। मारो, मार डालो। सब दुश्मन है तुम्हारे, मारो, मार डालो, बचा लो खुद को। दुश्मन है तुम्हारे, उठा लो हथियार, उठा लो हथियार, मार दो। समझ में नहीं आ रहा कि इन सबके पीछे एक डॉक्टर हो सकता है। देखते कहां का तार कहां जाके जुड़ा है सर, बहुत लंबा जाल फैलाता है सर। सारे तार कट जाएंगे इसके। किसने किया ये? बोलो, बोलो किसने किया? बता कौन है इन सबके पीछे? तुम उस बिना सर वाली औरत के साथ मिले हो ना? मैं नहीं, तुम उस सरकटी औरत के साथ मिले हुए हो। मैं जानता हूं मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। तुम और उस औरत दोनों को खत्म कर दूंगा मैं। तू मुझे मारना चाहता है ना? छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। डालिया रोड यही है, हो सकता है अभिजीत सर और दया सर यहीं कहीं होंगे। हो सकता है वो टीके और रागनी के हो। हम लोग जाके देखते हैं, तुम लोग यहीं रखो, एक डॉक्टर जाना नहीं चाहिए। ठीक है, चलो आ जाओ। सर सब ठीक तो है ना?
एंटीडोट ने असर शुरू कर दिया, थोड़ी देर में होश आ जाएगा दोनों को। मना डॉक्टर सलम के, अगर ये दोनों ठीक हुए हैं तो सिर्फ मेरी वजह से। अगर अपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया होता ना तो एक मुजरिम की तरह। और वो मजाने कहां से तुम ही सुने थे? सर वो तो उस वत्सला के दिमाग में था, और वो जंगल वाली लड़की के दिमाग में भी, वो जो हसिया लेके घूम रहे थे। अब समझ में आया, सचिता के माँ बाप ने भी हम लोगों को वो ड्रग्स वाला इंजेक्शन लगा दिया था, हमारे दिमाग में भी ये सारी बातें भरती गई थी। बताओ डॉक्टर विकास, क्यों किया तुमने ये सब? जल्दी बता, वरना हमें तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। क्या बताऊं, डॉक्टर सालुंके ने सब कुछ समझा तो दिया था, मैं दुनिया में तहलका मचाने वाला ब्रेन मैपिंग एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। बेहोशी में मैं लोगों को यहां लाता था और उनके उनके ब्रेन से उनकी सोच को निकालकर अपनी सोच भर देता था। जरा सोचो कितनी ताकत थी मेरे हाथ में। जब वो लोग जागते थे तो उन्हें वही दिखता था और उनके दिमाग में वही ब्रेन की मेमोरी थी जो जो मैंने डाली थी। उनका ब्रेन वही करता था जो मैं कहता था, मतलब कि मैं उनके ब्रेन से सब कुछ। और तुम दोनों ने भी तो वही किया ना। अंशिता, इसने भी गुनाह में तुम्हारा साथ दिया था। मैं इनकी भतीजी हूँ, इन्होंने ही मुझे पाला पोसा। डीके और रागनी मेरे माँ बाप नहीं है, वो घर, डीके, रागनी, मैं, ये सारा विकास अंकल का बिछाया हुआ एक जाल था। और आकाश, उसके साथ क्या किया तुम लोगों ने? उसकी ड्रग की डोज ज्यादा हो गई थी, उसे ब्रेन हैमरेज हो गया था। उसकी मौत का मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हारे जैसा जीनियस डॉक्टर लोगों के दिमाग का गलत इस्तेमाल करने के चक्कर में गुनहगार बन गया। तुम्हारी खोज इंसानियत के खिलाफ है। कानून तुम्हें इसकी जरूर सजा देगा, शायद फांसी होगी तुम्हें। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।